ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चले उसके हिसाब से होप्स हो तुम लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छे हूँ। होप्स हो तुम लोग का पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा और मेरा पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये चैप्टर तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी और काफी टेक्निकल भी। अगर इस चैप्टर को तुम नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से, तो क्वालिफाई होने के बाद तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा जब प्रैक्टिकली काम करोगे। इसका मतलब डिग्री इज नॉट सफिशिएंट। मैं हमेशा यही बात कह रहा हूँ कि डिग्री इज नॉट सफिशिएंट, हमें नॉलेज चाहिए। हमें एकदम भरपूर नॉलेज चाहिए। अगर हम नॉलेज के बिना आगे जाएंगे तो बहुत दूर आगे नहीं जा पाएंगे। तो ठीक है, ये बात तुम खुद ही प्रूव कर दोगे जब तुम पास हो जाओगे। तो ठीक है, क्या होता है ना, जब बच्चे नया नया आते हैं सीएमए ज्वाइन करते हैं या सीएमए ज्वाइन करते हैं, लेकिन सीए बच्चे काफी समझदार होते हैं, बाइस्ड होते हैं सीएमए बच्चे। बहुत सारे टीचर्स हैं जो प्योरली एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं ना, स्टूडेंट लोग का डाटाबेस कलेक्शन करते हैं, फिर उनको फोन करते हैं कि चलो हमारा क्लासेस ऐसा है, हमारा टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट्स उन लोगों का क्लास ज्वाइन कर जाता है। फिर दो या तीन क्लास के अंदर वो लोग पैसा ले लेते हैं। बच्चा तो नया आया था, पैसा देने के बाद तो पूरा फंस जाएगा। जब एक स्टूडेंट पे कर देता है उनके बाद उन लोगों का खेल शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा आगे नहीं होगा। मेरा सफिशिएंट क्लासेस यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, तुम वही क्लास देखो। अगर तुम्हें फ्री में कॉस्टिंग का क्लास भी चाहिए, फिर दोस्त को भी बोलो कि अगर फ्री में कॉस्टिंग क्लास चाहिए, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लास, लेकिन बाकी पेपर्स में नहीं दूंगा, कॉस्टिंग का पेपर में दे रहा हूँ। अब बोलेंगे सर कॉस्टिंग क्यों, देखो डीएस वर्चुअल बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बहुत स्टूडेंट का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो ठीक है, तो अगर डीएस वर्चुअल को बहुत स्टूडेंट को सपोर्ट मिल रहा है, हर किसी का कोरोना के बाद हर एवरी स्टूडेंट का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिगड़ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इंडिया में पहला आदमी हूं जो ऐसे सोचा कि एक स्टूडेंट को कम से कम फ्री में पेपर दिया जाए। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट को फ्री में पेपर दे रहा हूं और ये प्रैक्टिस कम से कम अगले दो साल तक चलेगा, क्योंकि दो साल के अंदर सभी स्टूडेंट का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे फ्री में देना है या नहीं देना है। हाँ, मुझे तो बहुत, मतलब मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार का क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए। ओके चलो कोई बात नहीं। हाँ, और एक अनाउंसमेंट मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई फोन भी जा रहा है कि कोई फोन भी आ रहा है किसी दूसरे टीचर से कि देवो सर कॉन्सेप्चुअली नहीं समझाएंगे, तुम तो ऑलरेडी बहुत क्लास मेरे पास कर चुके हो, तो ठीक है मुझे तो बोलने का दरकार नहीं होगा। फिर भी मेरे ऊपर बिलीफ रखो, मैं तुम्हारा कोर्सेस टाइमली खत्म कर दूंगा फिर कॉन्सेप्ट के साथ। चलो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब बोलेंगे सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। देखो बेटा, कॉस्टिंग का जो प्रैक्टिस होता है पहले उसको समझो। हम कॉस्टिंग में जो भी प्रैक्टिस करते हैं पहले उसको समझो। हम कॉस्टिंग में, मान लो मैंने सोचा कि मुझे कुछ बिजनेस करना है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना वो लोग ज्यादा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज नहीं करते, वो लोग ज्यादा बजटिंग यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होते हैं, वो लोग बहुत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटिंग का इस्तेमाल करते हैं।
चलो अभी हम देखते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करता है, क्यों सर्विस प्रोवाइडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्तेमाल नहीं करते, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। चलो देखो, एक आदमी ने सोचा कि चलो मुझे बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस बोलो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कौन सा बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फिर बोला कि मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है, हाँ प्रोडक्ट ए बनाना है। पहले वो सोचेगा कि प्रोडक्ट ए का कॉस्ट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा, पहले वो सोचेगा, ठीक है। चलो उनने एक एस्टिमेट कर लिया कि कॉस्ट में 10,000 आएगा, जिसमें मटेरियल कुछ आएगा, लेबर ओवरहेड बहुत कुछ आएगा, सेल्स हो जाएगा तुम्हारा 14,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा 4,000। बोलो क्या ये एक्चुअली हो चुका है ना, हम ऐसे सोच रहे हैं, क्या ये एक्चुअली हो चुका है या हम ऐसे सोच रहे हैं? आप बोलेंगे सर ये तो हमारा एस्टिमेशन है, हम ऐसे सोच रहे हैं। हाँ पहले तो एस्टिमेशन करना पड़ेगा, पहले तो इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं बजटिंग, इसको कहते हैं बजटिंग। इसका मतलब रियल लाइफ में रियली तुम जब कॉस्टिंग करोगे तो पहले तुम्हें बजट करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा जो सिलेबस है ना, सिलेबस के एकदम लास्ट में बजटिंग है, चलो उसमें कोई बात नहीं, तो पहले हम बजटिंग करेंगे। फिर उसके अच्छा जब हम बजटिंग करेंगे तो उस वक्त एक कॉस्ट शीट भी बनाएंगे जो हो जाएगा हमारा बजटेड कॉस्ट शीट। जब हम बजटिंग करेंगे उस वक्त एक कॉस्ट शीट हम बनाएंगे, वो हो जाएगा हमारा बजटेड कॉस्ट शीट। क्या हो जाएगा, बजटेड कॉस्ट शीट। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने बोला कि हाँ मुझे ऐसे करना है, फिर उसके बाद मैं एक्चुअली प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा। एक्चुअल जब प्रोडक्शन शुरू करूंगा उस वक्त भी मुझे एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करना है, बोले सर नो, हाँ फिर उस वक्त भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड करना है, फिर उस वक्त भी एक्चुअल प्रॉफिट देखना है। मान लो एक्चुअल कॉस्ट हो गया 12,000, हाँ ऐसा भी हो सकता है 9,000 भी हो सकता है, लेकिन मान लो कि एक्चुअल कॉस्ट हो गया 12,000। अब बोलो सेलिंग प्राइस चलो 14,000 रहा, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 2,000। बोलो मैनेजमेंट कुछ सोचेगा या नहीं सोचेगा? आप बोलेंगे हाँ सर मैनेजमेंट तो डेफिनेटली सोचेगा, क्योंकि मैनेजमेंट सोचा था कि प्रॉफिट कितना होगा 4,000, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। क्या मैनेजमेंट उसका कारण नहीं ढूंढेगा? हाँ अब मैनेजमेंट क्या करेगा ना, वेरियंस क्यों आया, देखो मैंने सोचा था प्रॉफिट होगा 4,000, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है कितना 2,000, तो ये दोनों में कितना अंतर, मतलब डिफरेंस, सर डिफरेंस 2,000, इसको हम बोलेंगे वेरियंस। क्या बोलेंगे, वेरियंस। बोलो क्या बोलेंगे, वेरियंस, ठीक है। तो ये जो वेरियंस 2,000 आया, ये वेरियंस कॉस्ट के वजह से आया। बोलो कॉस्ट में कितना वेरियंस आ रहा है 2,000, कॉस्ट बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फेवरेबल इफेक्ट आएगा, अनफेवरेबल इफेक्ट आएगा, बोलो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अनफेवरेबल इफेक्ट आएगा, क्यों, कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, कॉस्ट अगर कम हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट में वेरियंस आ रहा है, वो कॉस्ट के लिए आ रहा है, ड्यू टू वेरियंस इन कॉस्ट। देखो प्रॉफिट क्या ओनली कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट? सर प्रॉफिट इज द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो सेल्स वेरियंस कॉस्ट वेरियंस, अगर सेल्स में वेरियंस आएगा कॉस्ट में वेरियंस आएगा, उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली प्रॉफिट के ऊपर जाएगा, इसमें क्या बात है। अगर सेल्स में वेरियंस आएगा कॉस्ट में वेरियंस आएगा, तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली कॉस्ट के ऊपर, सॉरी प्रॉफिट के ऊपर जाएगा। ये जो एनालिसिस, अच्छा मेरा वेरियंस कितना है यार 2000, फिर मैंने उसका ओरिजिन को आइडेंटिफाई करना है, जे एक कॉस्ट में क्यों 2000 का वेरियंस आया, हो सकता है ये जेन्युइन रीजन के लिए आया होगा, हो सकता है ये कहीं पे फ्रॉड हुआ होगा,
तो वो ओरिजिन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस, उसको कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस, जिसका नाम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दूसरा नाम होता है वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दूसरा नाम होता है वेरिएंस एनालिसिस। बोलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में पहले हम बजटेड कॉस्ट शीट बनाते, फिर उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट शीट बनाते, फिर उसके बाद बजटेड एंड एक्चुअल को कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन कर इसीलिए करते हैं कि अगर कहीं पे भी वेरिएंस आ रहा है तो वेरिएंस को पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे क्यों हुआ, आगे होगा या नहीं होगा, ऐसा प्रैक्टिस कब तक चलेगा, इसको कहते हैं एनालिसिस, इसको कहते हैं एनालिसिस। बेटा समझ में आया कि प्रैक्टिकल लाइफ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या इस्तेमाल है? चलो इसको लिखने का कोई दरकार नहीं, मैंने समझा दिया, तुमने समझ लिया, बस ये बड़ी बात होता है। अब लिखो टॉपिक्स टू बी स्टडी। हम कितना टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? टॉपिक्स टू बी स्टडी, हम कितना टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? देखो पहले हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। पहले क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। तो पहले हम कैलकुलेट वेरिएंस कैसे कैलकुलेशन होगा हम सीखेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उसके बाद हम सीखेंगे सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान। हम सीखेंगे सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान, फिर उसके बाद हम सीखेंगे प्लानिंग वेरिएंस, एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस। एक्चुअली क्या होता है, मैं जो बोला कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सर्विस का सेक्टर यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। सर्विस सेक्टर ऑपरेटिंग वेरिएंस का काम करते हैं, तो ऑपरेटिंग वेरिएंस का मतलब होता है सर्विस सेक्टर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग वेरिएंस का मतलब होता है सर्विस सेक्टर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर उसके बाद हम सीखेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड, देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कुल मिला के इतना टॉपिक्स हमें पढ़ना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कुल मिला के इतना टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो पहले वेरिएंस कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर उसके बाद रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस सीखेंगे, फिर उसके बाद सिंगल प्लान पार्शियल प्लान क्या होता है देखेंगे, फिर उसके बाद प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस देखेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस स्कोर कार्ड देखेंगे। देखो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये तुम्हारा इंटर में भी है, फाइनल में भी है। तो फाइनल में है इसका मतलब एकदम एडवांस लेवल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तुम्हारा सीए या सीएम फाइनल में है, ठीक है। तो वो जो एडवांस कॉस्टिंग का एडवांस लेवल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने बोला, एडवांस लेवल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन तुम लोग इंटर में कैलकुलेशन ही सीखोगे, बाकी जो भी टॉपिक वो फाइनल में, तो ठीक है। तो इसीलिए जो भी मेरे पास इंटर स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन लोगों को कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस का क्लास मिलेगा, लेकिन जो लोग फाइनल का स्टूडेंट्स है तो उन लोगों को कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस का क्लास भी मिलेगा, बाकी आगे में जो भी कॉन्सेप्ट है उसका क्लास भी मिलेगा। आप बोलेंगे सर हमने तो इंटर में वेरिएंस एनालिसिस करके आए होंगे, हम तो इंटर क्लियर कर चुके हैं, तो वेरिएंस का कैलकुलेशन तो हम लोग सीख चुके हैं। बेटा तुम वेरिएंस का कैलकुलेशन सीख चुके हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम जिस लेवल का दरकार है उस लेवल में सीखे हो। तो इसीलिए मैं तुम्हारा नॉलेज को थोड़ा सा मतलब रिपेयर करना है,
मुझे तुम्हारा नॉलेज को थोड़ा सा रिपेयर करना है, तो ठीक है। तो इसीलिए मैं तुम्हें पहले वेरिएंस कैलकुलेशन सिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि रिकंसिलेशन क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में कैसे एडजस्ट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो अभी शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। तो लिखो मेरे साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअली मैं तुम लोग का दोस्त हूँ, क्योंकि मुझे देखो, मेरे शक्ल देखो, क्या मुझे तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा उम्र का? नहीं, कभी कभी तो बोलते हैं कि सर यू आर द हीरो नंबर वन। हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल हीरो नंबर वन था, आज भी हूँ, आगे तक भी रहूँगा, क्योंकि मैं एवरग्रीन हीरो। तो ठीक है, तो लेकिन फिर भी कभी कभी जो टीचर होते हैं ना, उन लोगों का दिमाग ऐसा होता है कि जो भी उनके पास पढ़ते हैं वो सारे मतलब छोटे बच्चे। लेकिन मैं तुम्हें छोटे बच्चे जैसे नहीं समझ रहा हूँ, तुम मेरा दोस्त हो, ठीक है। तो आज से बात मैं मेरे प्यारे बच्चों नहीं बोलूँगा, मैं मेरे दोस्त बोलूँगा, ठीक है। चलो चलो दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। अभी हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। तो आइए मेरे साथ साथ लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो कि कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। देखो अगर मेरा क्लासेस तुम्हें अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट को मैं यही ऑर्डर दे रहा हूँ कि वो 5 या 10 स्टूडेंट्स को रेफर करेंगे कि डीएस वर्चुअल आप इंस्टॉल करो, फिर सार को बोलो डीएस वर्चुअल में कॉस्टिंग का फ्री क्लास मिल रहा है। आप बोलेंगे सर हम तो पेमेंट करके पढ़ रहे हैं। देखो दो ऑप्शन मिलेगा, फ्री में भी मिलेगा, पेमेंट में भी मिलेगा, क्योंकि आपको मेंटेन करने के लिए कुछ भी खर्चा हो रहा है तो हम पहले स्टूडेंट्स को बोलेंगे। मतलब ऐसे में फ्री नहीं दे रहा हूँ, हम स्टूडेंट्स को पहले बोलेंगे कि क्या तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। हाँ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर हमारा ठीक नहीं है, फिर मैंने बोलूँगा कि तुम्हारा प्रूफ दिखाओ, तुम्हारा जो गार्डियन होते हैं उनके साथ मुझे कॉन्टैक्ट कराइए। फिर अगर मुझे लगेगा कि तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, तुम्हें क्लासेस का ज़रूरत है, पैसे के वजह से तुम नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं मेरा वीडियो क्लासेस दे दूंगा, ठीक है। और जितना भी फ्री में क्लास में दूंगा तुम्हारा एग्जाम के लिए मोर देन एनफ, खाली एग्जाम के लिए नहीं तुम्हें भरपूर कंसेप्ट भी मिलेगा। कभी कभी मेरा नाम देवदत्त स्वाई, बट बहुत स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि देखो कॉन्सेप्ट सारे आगे, मुझे भी बहुत खुशी मिल रहा है कि मेरा नाम बदल गया, इधर मेरा नाम कॉन्सेप्ट सार हो चुका है। अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो तुम्हें एक ही जगह मिलेगा डीएस वर्चुअल, चाहे तुम मेरे फिजिकल फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करो या मेरे वर्चुअल क्लास ज्वाइन करो या मेरा मोबाइल ऐप क्लास ज्वाइन करो या मेरा पेन ड्राइव क्लास ज्वाइन करो। लेकिन पेन ड्राइव तो फ्री में नहीं मिल सकता है, उसके लिए तो तुम्हें कुछ पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होगा, अच्छा जो लोग भी एक क्लास कर रहे हो मतलब तुम्हें लक्की विनर के हिसाब से फ्री में मिल रहा है, तुम कोशिश करो कि हमारा डीएस वर्चुअल का स्टडी मैट बाय करने के लिए। क्यों, स्टडी मैट के लिए हम ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, कितना लेंगे अभी तो नहीं बताऊंगा, स्टडी मैट के लिए हम ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, लेकिन स्टडी मैट तुम बाय करोगे तो और बहुत प्रॉब्लम तुम्हें मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, मेरा कुछ नहीं कमेगा। चलो शुरू करो, एडवर्टाइजमेंट बहुत हो गया, कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस। देखो हम एक्चुअली सीखेंगे प्रॉफिट वेरियंस, मतलब मैंने सोचा था कितना प्रॉफिट आएगा, फिर कितना प्रॉफिट आया उसका डिफरेंस, इसको कहते हैं प्रॉफिट वेरिएंस। तो बोलो प्रॉफिट वेरिएंस कैसे होगा, बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस होगा, बोलो ये सुन लो। मैंने अभी अभी बताया था कि पहले बजट बनेगा फिर उसके बाद एक्चुअल बनेगा, ये दोनों में अगर
ये दोनों में अगर डिफरेंस आएगा उसको कहते हैं वेरियंस। तो तुम बोलो बजटेड सॉरी प्रॉफिट वेरियंस कैसे आएगा? सर बजटेड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस होगा प्रॉफिट वेरियंस। बोलो एस और नो। हाँ डन। लेकिन प्रॉफिट में वेरियंस क्यों आ सकता है? सर अगर कॉस्ट में वेरियंस आएगा तो इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। अगर सेल्स में वेरियंस आएगा वो भी इनडायरेक्टली प्रॉफिट के ऊपर वेरियंस डालेगा। बोलो ये सर नो। तो प्रॉफिट में वेरियंस इसीलिए आ रहा है क्यों? कॉस्ट में वेरियंस आया था हाँ, फिर सेल्स में वेरियंस आया था। अच्छा तो कॉस्ट वेरियंस सेल्स वेरियंस ये दोनों का इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट वेरियंस। आप बताइए कॉस्ट कितना प्रकार का? सर मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल के लिए जो वेरियंस आएगा वो हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। अच्छा लेबर के लिए जो वेरियंस आएगा वो हो जाएगा लेबर कॉस्ट वेरियंस। बोलो ये सर नो। ओवरहेड के लिए जो आएगा वो हो जाएगा ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, ठीक है। लेकिन सेल्स वेरियंस दो प्रकार का, टर्नओवर चलो टर्नओवर सेल्स हम नहीं लिखेंगे, टर्नओवर का मतलब सेल्स ही होता है। टर्नओवर बेसिस मार्जिन बेसिस। सेल्स वेरियंस हम दो प्रकार के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब दो बेसिस से कैलकुलेशन करते हैं, या तो टर्नओवर बेसिस नहीं तो मार्जिन मार्जिन बेसिस या मार्जिनल बेसिस। लेकिन कभी ये मत बोलना कि सेल्स वेरियंस इज टू टाइप्स। सेल्स वेरियंस में कुछ प्रकार नहीं होता है, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम बेसिस डिफरेंट डिफरेंट बेसिस यूज करते हैं। तो सेल्स वेरियंस इज टू टाइप्स कभी मत लिखना, गलत हो जाएगा। चलो हमें इतना सा वेरियंस दिखना है। कॉस्ट वेरियंस में मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, ओवरहेड वेरियंस, सेल्स वेरियंस में मार्जिन टर्नओवर बेसिस से कैसे कैलकुलेशन होगा, मार्जिन बेसिस से कैसे कैलकुलेशन होगा। चलो पहले लिखो, पहले चार्ट बनाओ, चार्ट बनाने के बाद हम डिटेल में मूव करेंगे। तो पहले लिखो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। तो पहले लिखो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। देखो मटेरियल वेरियंस का दो सेगमेंट होता है। अब तुम ये नहीं बोलोगे कि मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज कंप्यूटेड ऑन टू बेसिस, नहीं, ये मटेरियल वेरियंस कॉस्ट वेरियंस का टाइप्स। अगर क्वेश्चन आया कि मटेरियल वेरियंस कितने प्रकार का, तुम लिखोगे बेसिकली मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज टू टाइप्स। तो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस में पहले होगा मटेरियल प्राइस वेरियंस, फिर उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरियंस। ओके मटेरियल यूसेज वेरियंस अगेन टू टाइप्स या दो कंपोनेंट। मटेरियल मिक्स वेरियंस, फिर मटेरियल यील्ड वेरियंस। नेक्स्ट लिखो लेबर कॉस्ट वेरियंस। नेक्स्ट लिखो लेबर कॉस्ट वेरियंस। देखो लेबर कॉस्ट वेरियंस का पहले दो कंपोनेंट्स होगा, लेबर रेट वेरियंस, फिर लेबर एफिशिएंसी वेरियंस।
चलो तीन कंपोनेंट कर दो, एक होता है आइडियल टाइम वेरिएंस, आइडियल टाइम का मतलब होता है लेबर बैठ गया फिर पैसा ले लिया, जिस टाइम में प्रोडक्शन नहीं हुआ उस टाइम को हम बोलते हैं आइडियल टाइम, फिर पेमेंट हो रहा है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हैव बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स, लेबर रेट वेरिएंस, आइडियल टाइम वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का दो सब पार्ट है, लेबर मिक्स वेरिएंस, इसको और भी कहते हैं ग्रुप और गैंग वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस हैव टू कंपोनेंट्स, इसको कहते हैं ग्रुप वेरिएंस और गैंग वेरिएंस, फिर यील्ड वेरिएंस। ओके, नेक्स्ट लिखो ओवरहेड वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। देखो ओवरहेड तो दो प्रकार का, हाँ सर, वेरिएबल फिक्स्ड। तो जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आएगा उसका हम बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जो फिक्स ओवरहेड के लिए वेरिएंस आएगा उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का दो कंपोनेंट्स है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक होता है एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हम दो बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, मतलब दो अप्रोच। देखो अब फिक्स ओवरहेड को ट्रीटमेंट करने के लिए दो मेथड्स होता है, या तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं तो मार्जिनल कॉस्टिंग। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को हम मार्जिनल अप्रोच भी लगा सकते हैं, नहीं तो एब्जॉर्प्शन अप्रोच। हम एब्जॉर्प्शन अप्रोच लगा सकते हैं। अगर मार्जिनल अप्रोच लगाओगे, तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कंप्यूटेशन होगा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अगर तुम अब्सॉर्प्शन अप्रोच फॉलो करोगे तो कंप्यूटेशन होगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्या कंप्यूटेशन होगा? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अगर तुम अब्सॉर्प्शन अप्रोच फॉलो करोगे तो तुम्हारा क्या कंप्यूटेशन होगा? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का दो बच्चा है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक होता है वॉल्यूम वेरिएंस। अब वॉल्यूम का दो बच्चा है, एक्सपेंडिचर का शादी नहीं हुआ है इसीलिए आगे बच्चा नहीं होगा। एक्सपेंडिचर का शादी नहीं हुआ है तो इसीलिए आगे बच्चा नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम तो शादी किया था तो इसीलिए उसका दो बच्चा। वॉल्यूम ने बोला कि हमें दो हमारे दो, तो वॉल्यूम का दो बच्चा कैपेसिटी वेरिएंस फिर एफिशिएंसी वेरिएंस। वॉल्यूम का दो बच्चा है कैपेसिटी वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस। अब
एफिशिएंसी बोला है कि चलो मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन कैपेसिटी ने बोला कि नहीं 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 मुझे तो शादी करना है भी, बच्चा भी पैदा करना है, तो कैपेसिटी का अब दो बच्चा हो गया। आप बोलेंगे सर उनका शादी रुकवाइए, नहीं तो ऐसे बढ़ रहा है फैमिली के जैसे, तो हम कितना कंसेप्ट याद रखेंगे। बेटा जब फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट आ जाएगा तब तो मैं अप्लाई करके आगे रोक दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो कैपेसिटी का शादी हुआ है, तो कैपेसिटी का दो बच्चा आया, कैलेंडर वेरिएंस अब रिवाइज कैपेसिटी। तो कैलेंडर वेरिएंस अब रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, बस ये हो गया तुम्हारा एक्चुअली कॉस्ट वेरिएंस का डिटेल्स, क्योंकि मैंने मटेरियल कॉस्ट से शुरू किया, लेबर कॉस्ट कंप्लीट किया, ओवरहेड खत्म किया। इसका मतलब मेरा कॉस्ट वेरिएंस का कैटेगरी या सेग्रीगेशन हो चुका है। अब लेंगे सर क्या प्रॉफिट वेरिएंस का भी नहीं, सेल्स वेरिएंस का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से है? हाँ, सेल्स वेरिएंस का भी डिफरेंट टाइप से है। अगर तुम टर्नओवर बेसिस फॉलो करोगे तो उसका भी टाइप से आएगा, अगर तुम मार्जिनल बेसिस फॉलो करोगे तो उसका भी टाइप्स आएगा, लेकिन वो टाइप्स अभी हम नहीं दिखेंगे। हमें कॉस्ट वेरिएंस खत्म करने के बाद सेल्स वेरिएंस का टाइप्स दिखेंगे, ठीक है? चलो अभी हम मूव करेंगे वेरिएंस कैलकुलेशन का। तो पहले लिखो प्रॉफिट वेरिएंस, बोलो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स बजटेड सेल्स, फिर एक्चुअल सेल्स, हाँ कॉस्ट भी बजटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, ये दोनों का डिफरेंस होगा सेल्स वेरिएंस, ये दोनों का डिफरेंस होगा कॉस्ट वेरिएंस, ये दोनों का डिफरेंस होगा प्रॉफिट वेरिएंस। बस क्या मैं कुछ इलॉजिकल बात कह रहा हूं? बोले सर नो, नहीं नहीं सर आप बिल्कुल मतलब लॉजिक को तो नहीं छोड़ते, इलॉजिकल बात का तो चांस ही नहीं है। चलो ये हो गया हमारा प्रॉफिट वेरिएंस, तो हम कॉस्ट वेरिएंस से शुरू करेंगे, ठीक है? तो पहले लिखो अच्छा बजट का दूसरा नाम होता है स्टैंडर्ड, बजट का दूसरा नाम क्या होता है स्टैंडर्ड। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पहले लिखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, देखो अभी हम शुरू करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है? तो पहले मुझे बताओ मटेरियल कॉस्ट कैसे कंप्यूट होता है, वेरिएंस तुम बाद में कैलकुलेशन करोगे, तो अभी तो बताओ मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सर मटेरियल कॉस्ट लिखिए, मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। अच्छा अगर कितना क्वांटिटी कंजप्शन कर रहे हो, अगर कितना क्वांटिटी कंजप्शन कर रहे हो
उसके साथ तुम रेट मल्टीप्लाई करोगे, अगर कितना क्वांटिटी तुम कंजप्शन कर रहे हो उसके साथ रेट मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सॉरी मटेरियल कॉस्ट। मान लो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं 3 kg यूज किया, पर केजी मैंने 6 रुपये में खरीदा। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया सर? 3 kg कंज्यूम किया, पर केजी मैंने 6 रुपये में खरीदा था, तो मेरा मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा सर? 18 रुपीज आएगा। तो मटेरियल कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कंजप्शन क्वांटिटी इनटू रेट। इस फॉर्मूला को तुम लिखो, बोलो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 3 रिसोर्सेस चाहिए या 3 एलिमेंट्स चाहिए, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। तो लिखो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट वी रिक्वायर मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस। ओके, फिर लिखो मटेरियल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट। मटेरियल कॉस्ट का 2 एलिमेंट होता है। अब बोलेंगे सर क्या डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल? बेटा मटेरियल 2 प्रकार का, मटेरियल कॉस्ट 2 प्रकार का, डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल। लेकिन मैं इधर लिख रहा हूं कि मटेरियल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट। अच्छा, अब बोलो मटेरियल कॉस्ट का 2 एलिमेंट क्या होता है? एक होता है प्राइस और एक होता है क्वांटिटी। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट का 2 एलिमेंट होता है, मटेरियल कॉस्ट का 2 एलिमेंट होता है, एक होता है प्राइस और एक होता है क्वांटिटी। तो नेक्स्ट लाइन आर उधर की लिखो एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट को सर्कल में रख दो, एक्चुअल कॉस्ट में भी डिफरेंट फ्रॉम बजटेड कॉस्ट अच्छा फ्रॉम तो बजटेड कॉस्ट, फिर एंड क्या? सर दिमाग आपका ठीक ठाक नहीं है क्या? हाँ दिमाग तो ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट में भी डिफरेंट फ्रॉम बजटेड कॉस्ट ड्यू टू 2 रीजन। एक बात बताओ ये बजटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से क्यों डिफर होगा? डिफर होने का 2 कारण हो सकता है। मैंने जितना प्राइस में खरीदूंगा सोचा था, एक्चुअली वो प्राइस चेंज हो जा रहा है, प्राइस का डिफरेंस आएगा। जितना क्वांटिटी में कंज्यूम करूंगा सोचा था, दूसरे क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी आएगा। तो मेटल कॉस्ट में प्राइस में चेंज हो जाएगा तो मेटेरियल कॉस्ट में इंपैक्ट आएगा, क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा तो मेटेरियल कॉस्ट में इंपैक्ट आएगा। बोलो ये सर नो, सभी नालायक मेरे तरफ से देखो। अब ले सर आपने हमें नालायक बोले, देखो नालायक का मतलब लव, मतलब लवेबल स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तुम लोगों के साथ मेरा प्यार है तो मैं तुम्हें नालायक नहीं बोलूंगा तो और किसी को बोलूंगा? जिनके साथ मेरा प्यार नहीं अगर उसको मैं नालायक बोलूं दो थप्पड़ लगाएगा मुझे। समझ में आया क्यों मैंने तुम्हें नालायक बोला? तो नालायक जब बोलूंगा इसका मतलब तुम सोचोगे कि मेरा प्यार का लेवल थोड़ा बढ़ गया, मेरा प्यार का लेवल थोड़ा
बढ़ गया। तो एक्चुअल कॉस्ट में बी डिफरेंट फ्रॉम बजटेड कॉस्ट ड्यू टू टू रीजन, बोलो, चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस के वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्या उसको मैं यूसेज वेरिएंस बोलूं? यूसेज, यूसेज का मतलब यूज, यूज का मतलब क्वांटिटी। अगर प्राइस के वजह से डिफरेंस आ रहा है तो उसका एक बढ़िया सा नाम दे दो। अगर प्राइस के वजह से डिफरेंस आ रहा है तो उसका एक बढ़िया सा नाम दे दो। बोलो सर क्या नाम दे, क्या नाम दे सर, प्राइस वेरिएंस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो लिखो चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस के वजह से अगर चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे कॉल प्राइस वेरिएंस। बोलो जब तुम परचेज करोगे, देखो एक ध्यान से सुनो, मैंने वादा किया था कि तुम्हें कॉन्सेप्ट देने के लिए, अगर मैं आज मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, देखो फॉर्मूला बेसिस पे तुम पढ़ोगे 30 या 40 पेजेस में तुम्हारा कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जाओगे 400 पेज लगेगा। अब तुम बोलो मैं फॉर्मूला बेसिस पे अगर पढ़ाऊंगा तुम्हें 30 पेजेस में मेरा मैं तुम्हारा कॉस्टिंग को खत्म कर दूंगा, अगर मैं कंसेप्चुअली जाऊंगा तो 30 पेजेस में तो खत्म नहीं होगा, तो 300 या 400 पेजेस लगेगा। अब तुम्हारा औकात को थोड़ा देख लो कि अगर तुम्हें 300 पेज का हजम नहीं हो रहा है तो तुम 30 पेजेस में जाओ। अगर तुम 30 पेजेस में जा रहे हो बहुत आगे नहीं जा पाओगे, कुछ आगे तो जाओगे लेकिन बहुत आगे नहीं जा पाओगे। अगर तुम 300 पेज कवर कर रहे हो तो कॉस्टिंग का पूरा एकदम माइल माइल तक तुम आगे जाओगे। तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हें मिस गाइडेंस करना चाहता हूं? नहीं। तो मैं इसीलिए हमेशा यही कह रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को कि चलो तुम कॉन्सेप्चुअली स्टडी करो। अगर तुम कॉन्सेप्चुअली स्टडी करोगे तो बहुत आगे जाओगे। अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे, जो दूसरे टीचर पढ़ाते हैं यहां है, कॉस्टिंग का एकदम ब्रांड बना के रखे हैं, भाई वो जमाना बदल चुका है, तो ठीक है। उनका मेरा डर है कि अगर उनका कुछ बिगड़ सकते हैं तो वो मैं हूं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के साथ जा रहा हूं। अब तो खेल शुरू हो चुका है भुवनेश्वर में स्टूडेंट्स कॉस्टिंग का पेपर फ्री में मिलेगा। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट नहीं हो रहा है तो फिर फ्री में मिल रहा है, क्योंकि ये डीएस वर्चुअल इतना ग्रो कर चुका है। मैं 2014 से इधर पढ़ाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो ठीक है। 2013 में मैंने क्वालिफाई किया, फिर 6 महीना जॉब किया था, फिर उसके बाद मैंने जॉब को स्विच अप किया, इधर आ गया पढ़ाने के लिए। 2014 से स्टूडेंट्स मुझे बहुत पैसा दे चुके हैं। ये जो फ्री का कॉन्सेप्ट मैंने कोरोना के बाद शुरू किया, तो तुम बोलो इतना बड़ा डिस्टर्बेंस आ गया सोसाइटी में कोरोना, हम लोग ऑलरेडी तो बहुत पैसा कमा चुके हैं, क्या 1 साल या 2 साल अगर हम फ्री दे देंगे सोसाइटी को, क्या मेरा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब वो लोग फिर गलत इंटरप्रेट करेंगे कि देखो ना देव सर फ्री में दे रहे, इसका मतलब उनका क्लास नहीं चल रहे। मेरा क्लासेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा आज मुझे इतना खुशी मिल रहा है कि मेरे आउटस्टेशन का आउटसाइड ओडिशा का स्टूडेंट्स भी मेरा क्लास खरीद के पढ़ते हैं, क्योंकि मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग गली में, ये जो लिमिटेड एरिया होता है ना, इस लिमिटेड एरिया में वो लोग ब्रांड बना के रखे, एक्चुअली उन लोगों का कंसेप्ट नहीं है, वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो नया स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट देख के जाता है, फिर एडवर्टाइजमेंट का मतलब वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को भेजते हैं कि नया स्टूडेंट को का ब्रेन वॉश करो। तो ये जो मैं प्रयास चला रहा हूं सोसाइटी में, तुम्हारे सर्कल में जितना भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हमारा क्लासेस के बारे में बोलो,
कि देखो अगर कॉन्सेप्ट चाहते हो तो डीएस वर्चुअल इज द ओनली प्लेस वेयर यू लर्न कॉन्सेप्चुअली। बीच बीच में मैं तो एडवर्टाइजमेंट करते रहूंगा, ठीक है। चलो, जब तुम मैटेरियल परचेज करोगे, मैटेरियल का परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग होगा, फिर मेटेरियल यूज होगा फैक्ट्री में, उधर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करेगा। इसका मतलब मेटेरियल को तुम पहले परचेज करोगे, बोले सर नो, फिर उसके बाद यूज करोगे। यूज किधर होगा? जब प्रोडक्शन होगा तब यूज होगा, तो यूज होगा प्रोडक्शन के लिए। तो यूज का रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैंने बोला था इतना क्वांटिटी यूज करो, तुम इतना क्वांटिटी यूज कर रहे हो, तो यूज में मतलब क्वांटिटी में जो डिफरेंस आएगा उसके लिए जिम्मेदारी कौन होगा, परचेज मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर? तुम बोलो, क्वांटिटी में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन होगा, परचेज मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर? सर क्वांटिटी का डिफरेंस, क्वांटिटी परचेज के वक्त नहीं आएगा, क्वांटिटी यूज के वक्त आएगा। अगर यूज क्वांटिटी डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, तो प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा। देखो कंपनी में वेरियंस आ गया, ये कोई मामूली बात नहीं है। जो कंपनी का ओनर, मान लो कि मैं कंपनी का ओनर, तू मेरा प्रोडक्शन मैनेजर, वो मेरा परचेज मैनेजर, मेरे मटेरियल कॉस्ट में वेरियंस आ रहा है, क्या मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा? नहीं, मैंने तुम्हें उठा के थप्पड़ मारूंगा कि बोलो क्यों मटेरियल कॉस्ट वेरियंस आया। हाँ, पॉजिटिव मतलब अगर वेरियंस के वजह से मटेरियल कॉस्ट कम हो रहा है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अगर मटेरियल कॉस्ट ज्यादा हो रहा है तो मैं तुम्हें गाली करने को नहीं पछाऊंगा। मैं तुम्हें गाली करूंगा, ठीक है, बोलो मुझे डांटना होगा, तो थोड़ा सा लैंग्वेज एडजस्ट करो, क्योंकि हमारा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन, तुम लोग का जो उड़ीसा के बाहर में स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा 19-20 का डिफरेंस होता है, लेकिन समझने के लिए सफिशिएंट है। तो अगर तुम्हें मुझे फायदा दे रहे हो, तुम मुझे फायदा दे रहे हो, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अगर तुम मेरे नुकसान कर रहे हो मैं तुम्हें डांटूंगा, तुम्हारा सैलरी कट करूंगा, तुम्हें बोनस नहीं दूंगा, तुम्हें कमीशन नहीं दूंगा। तो प्राइस के वजह से जो वेरियंस आएगा उसके लिए गाली कौन सुनेगा? सर परचेज मैनेजर। यूज के वजह से जो वेरियंस आएगा उसके लिए गाली कौन सुनेगा? सर प्रोडक्शन मैनेजर। चलो इस बात को हम लिखते हैं। अब बोलो कॉन्सेप्चुअल स्टडी मजा आ रहा है या फॉर्मूला बेसिस स्टडी तुम्हें मजा लगता था? आज तक तुम तो जिंदगी में फॉर्मूला बेसिस पे पढ़ के आए हो ना, लेकिन पहली बार तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। बोलो मजा आ रहा है, खुशी हो रहे हो या नहीं? हाँ सर, बहुत खुशी हो रही है हम लोग। तो चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड एज प्राइस वेरियंस एंड परचेज मैनेजर वुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप बोलो प्राइस का चेंज हो गया, जो भी वेरियंस आया परचेज वेरियंस हो गया, तो उसके लिए परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल हो गया। अब चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी के वजह से अगर कुछ चेंज आएगा, क्वांटिटी के वजह से अगर कुछ चेंज आ रहा है तो उसको कहते हैं इज कॉल्ड एज क्वांटिटी वेरियंस। बोलो क्वांटिटी वेरियंस के लिए परचेज मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर विल हेल्ड रेस्पॉन्सिबल? तुम बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों नहीं, चेंज इन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज क्वांटिटी वेरियंस एंड प्रोडक्शन मैनेजर विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। चलो अब
मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस का दो बच्चा हो गया, मेटेरियल प्राइस वेरियंस, मेटेरियल यूसेज वेरियंस। लिखो मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट से तुम एक्चुअल कॉस्ट माइनस करो। स्टैंडर्ड का मतलब बजटेड, मैंने कितना सोचा था। एक्चुअल का मतलब एक्चुअल कितना एक्चुअली हो रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस इज योर मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। देखो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा एक्चुअल कॉस्ट कम। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा होने से, एक्चुअल कॉस्ट कम होने से ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बोलो ये तुम्हारे लिए अच्छा बात है या बुरे बात है। मैंने सोचा था 10 रुपया लेकिन एक्चुअली उससे कम हो रहा है। सर ये तो हमारे लिए अच्छा बात है, मैंने सोचा था 10 रुपया एक्चुअली उससे ज्यादा हो रहा है, ये तो बुरे बात है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल वेरियंस, अगर पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल वेरियंस, अगर नेगेटिव होगा तो एडवांस वेरियंस। तुम तालिया मतलब ऐसे कब पाओगे, फेवरेबल पर या एडवांस पर? फेवरेबल पर। लेकिन गालियां कब सुनोगे? एडवांस पर। इसका मतलब अगर मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस फेवरेबल आ रहा है तो हम ताली मारेंगे, बोलेंगे क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारा। अगर मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस नेगेटिव आ रहा है तो हम गाली देंगे। किसको गाली देंगे? देखो फिर देखेंगे, इसके लिए दो जिम्मेदार है, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। अब अगर मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस कुछ आ रहा है तो फिर मैं देखूंगा कि परचेज मैनेजर का ताली या गली, या प्रोडक्शन मैनेजर को ताली मिलेगा या गली मिलेगा। अब लिखो मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस का दो हिस्सा है, प्राइस वेरियंस यूसेज वेरियंस। तुम मेरे साथ साथ पूरा का पूरा कॉपी करो, अगर ऐसे कॉपी नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस का दो हिस्सा है, प्राइस वेरियंस यूसेज वेरियंस, प्राइस वेरियंस यूसेज वेरियंस। तो प्राइस वेरियंस के लिए परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल, यूसेज वेरियंस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल। बोलो यस सर नो? यस सर। तो प्राइस मेटेरियल प्राइस वेरियंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसका मतलब चेंज इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। Change in price into actual quantity. तो standard price minus actual price into actual quantity is material price variance. Positive होगा तो favorable, negative होगा तो adverse. Positive होगा तो favorable, negative होगा तो adverse. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब प्राइस वेरियंस होगा तब प्राइस का तो डिफरेंस लेकिन मल्टीप्लाइड होगा एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड होगा एक्चुअल क्वांटिटी।
नेक्स्ट लिखो यूसेज वेरिएंस। बोलो यूसेज वेरिएंस का क्या मतलब है? यूसेज वेरिएंस का मतलब डिफरेंस इन प्राइस या डिफरेंस इन क्वांटिटी? डिफरेंस इन क्वांटिटी। तो डिफरेंस इन क्वांटिटी हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस, कुछ भी तुम लिख सकते हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल, नेगेटिव होगा तो एडवांस एडवर्स। पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल, नेगेटिव होगा तो एडवर्स। फटाफट। अच्छा ये तो हमें पता है कि डिफरेंस इन क्वांटिटी, लेकिन एक चीज याद रखना, इधर एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड हो रहा है। बोलो यस और नो। यस सर। क्या हम बेसिक क्वेश्चन को मूव करेंगे? देखो मैंने तो बेसिक फॉर्मूला कुछ सिखाया, अभी तक मैंने तो कॉन्सेप्ट का एनालिसिस शुरू नहीं किया हूं। ओनली एक घंटा का क्लास हुआ है। फिर चैप्टर का इंट्रोडक्शन में 30 मिनट्स चला गया। तो चलो अभी एक काम करते हैं, एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं। चलो एक समरी बना देते हैं, आज जितना भी हम पढ़े थे उसका एक समरी में बनाता हूं। बोलो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ओके, इसका दो पार्ट है। बोलो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बस यही तीनों फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस फॉर्मूला लगा के कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराऊंगा। मैंने नेक्स्ट वीडियो में इस यही फॉर्मूला लगा के कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराऊंगा। तो ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, कैरी ऑन।